गंगाराम बेहरा, कहाँ घर हुआ आपका? बिशनपुर। कहाँ से बराती आए हैं? बिशनपुर, टुंडी बिशनपुर। अच्छा, तो कितने बजे यहाँ बराती आप लोग पहुँचे? 12 बजे हैं। वो देखिए दूसरे को चेक कर रहा है और दिया जा रहा है, दे रहा है, और देने के साथ साथ उसने उसको लिख के रख रहा है ताकि जो दे रहा है इतना शानदार मछली पकड़ी हुई है। देखिए ये भी मछली है जो हमारे, ये छोटे छोटे मछली ही आप देख सकते हैं। कौन सा मछली है वो तो बताए कि ये देखिए, ये लगता है। हाय दोस्तों, तो हम लोग आए हुए हैं शादी घर। ये देखिए, एक आदिवासी घर में शादी था जो कि महतो जी के साथ हम भी आए हुए हैं और टोटल वीडियो कर चुके हैं। अब जाएंगे थोड़ा बाहर तरफ में वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो शादी का जो रस्म था वो लगभग खत्म हो चुका है और अभी जो गिफ्ट है इसका, वो देखिए दूसरे को चेक कर रहा है और दिया जा रहा है, दे रहा है, और देने के साथ साथ उसने उसको लिख के रख रहा है ताकि जो दे रहा है उसको लिखित रख रहा है ताकि बाद में अगर किसी प्रकार का अगर छूट जाए तो उसको लोग रिटेल ले सके और लड़की को भी रिटेल ले सके। कल शादी था और आज विदा होगा। आज विदा होगा तो शादी ठीक ठाक से पार हो गया? जैसी तरह देखिए, अब जैसे सकता है उसी तरह हो गया है। अच्छा, डांस पूरा किए कि नहीं? नहीं, थोड़ा घर में बगल में थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा हमारे आदमी, इसीलिए तो बढ़िया से डांस नहीं हुआ है, इसीलिए जल्दीबाजी किए, मतलब पूरा धूमधाम से होता। अच्छा अच्छा, घर में बीमारी आदमी होने के कारण में उतना धूमधाम से नहीं हुआ, लेकिन शादी पार हो गई, ठीक है, इसीलिए इसी तरह से सब ठीक ठाक पार हुआ ना? ठीक ठाक से मोटा मोटी, ठीक, इसीलिए है। ठीक ठीक। तो दोस्तों, जिस शादी के लिए का वीडियो बनाने के लिए हम लोग आए हुए थे, वो आज हम वो दूल्हे का और दूल्हे का छोटा भाई को दोनों को पकड़े। ये लोग भागा, बहुत भागा, भागते भागते देखिए यहाँ पर हम लोग पकड़े और पकड़ने के बाद दो चार क्वेश्चन इसे जानते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रदीप। ये तुम्हारा कौन है? बड़े भैया ना। आपका क्या नाम हुआ? गंगाराम बेहरा। गंगाराम बेहरा, कहाँ घर हुआ आपका? बिशनपुर। कहाँ से बराती आए हैं? बिशनपुर। बिशनपुर, टुंडी बिशनपुर। हाँ। अच्छा, तो कितने बजे यहाँ बराती आप लोग पहुँचे? 12 बजे रात। 12 बजे रात। शादी आप लोग का हो गया? हो गया। कितना घंटा लगभग यहाँ रहे आप लोग? 12 बजे रात। यहाँ अभी कितना हो रहा है, 5 में कितना हो रहा है? हाँ, लगभग 4। कितना बजे यहाँ से रिटर्न होइएगा फिर? पता नहीं। यहाँ पर खाना वाना ठीक से मिला ना आप लोग को? बरातियों को मिला ना? और बरातियों को मिला के मिला है, यानी यहाँ कैसे बोले, किसी प्रकार दुख तकलीफ हुआ क्या यहाँ पर? नहीं हुआ। जब से पहुँचे वहाँ से तब से सब सुविधा है? सब सुविधा है ना, यानी कि कोल कमांडी का जो जितने आदिवासी भाई लोग हैं उसको वो सब ठीक है ना? सब ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लिए हमारे जो दूल्हे साहब हैं इनसे और दूल्हे का जो भाई है उनसे। तो इसी ढंग का तरोताज़ा वीडियो के लिए हमारे इस चैनल में आप लोग बने रहेंगे। आ गए हैं एक श्रद्धालु एरिया में और यहाँ पर हम लोग का चाह है कि कुछ थोड़ा सा हम लोग आज पिए। पीना ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ दूसरा पीना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आज आदिवासी का जो घर आए हैं इसी में से कुछ हम लोग थोड़ा सा पिए। और दोस्तों मैं बता दूँ, आदिवासी एरिया घूमने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग सप्ताह में एक दिन घूमने जरूर आते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का खान पान और यहाँ का घर द्वार, आप लोग दिखाएंगे कितना मस्त लगेगा देखने में। हमारे भाभी जी हैं, देखिए ये बहुत ही अच्छा मछली को थोड़ा सा भाभी जी थोड़ा दिखाएंगे।
ये देखिए कितना शानदार मछली पकड़ी हुई है। देखिए ये भी मछली है जो हमारे ये छोटे छोटे मछली ही आप देख सकते हैं। कौन सा मछली है थोड़ा सा बताएं कि ये देखिए ये लगता है ये देखिए मछली है और ये गांव का वो भी देखिए छोटा छोटा मछली है। हमको लगता है वो नेटी है ना हम देहाती भाषा से नेटी बोलते हैं। चेंगू ये चेंगू मछली यानी चेंग। बस 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 दोस्तों दोनों हम लोग जा रहे हैं। आप लोग को दिखा रहे हैं पूरा एरिया इधर। शीतल भाई थोड़ा सा ये देखिए ये आज मिट्टी दे रहा है थोड़ा दिखाते हैं कहाँ मिट्टी दे रहा है।